Good morning, dear kids. Welcome back to our maths class. Today we are going to do page number 38, question number 1. Let us practice. Here some children's are given, girls are given, and their names are written below. Below each girl, her name is written. That is Priya, Ritu, Kirti, Nisha, Trisha, and Anu. So, 6 girls are given, and by looking at the picture of these girls, we have to give the answer of the fill in the blanks which are written below. यहाँ पर question में 6 girls दी हुई हैं, जिनका नाम प्रिया, रितु, कीर्ति, निशा, त्रिशा, अनु है. इन बच्चियों की पिक्चर्स को देखकर हमें जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं उनके आंसर्स देने हैं. In the above scene, 6 girls are standing in a queue according to their heights. Observe the scene and fill in the blanks. So, यहाँ पर 6 girls उनकी height के according arrange हैं. हमें picture को देखते हुए fill in the blanks के answers देने हैं. A. Kirti is at the dash place. Kirti कौन सी place पर है? अब देखिए कीर्ति कहाँ पर है, ये रही कीर्ति. कीर्ति कौन सी प्लेस पर है, हाइट के अकॉर्डिंग जमी हुई है ये सारी गर्ल्स. अब कीर्ति किस प्लेस पर है बताना है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, लेट अस गिव नंबरिंग टू द किड्स. सो हियर वी राइट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, fourth, fifth, and sixth. So children, first is Kirti is at the dash place. Kirti किस place पर है? तो देखिए first, second, and third. और Kirti third पर है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? Kirti is at the third place. T H I R D, third place. Okay children. Now part B. Dash is the first in the queue. Line में सबसे first बच्ची कौन है? So देखिए कौन है यहाँ पर first बच्ची? ये वाली बच्ची जिसकी height सबसे ज़्यादा है. कौन first है? प्रिया. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? P R I Y A, प्रिया. प्रिया इज द फर्स्ट इन द क्यू. लाइन में सबसे पहले कौन खड़ी है? प्रिया खड़ी है. निशा इज स्टैंडिंग डैश इन द क्यू. निशा क्यू में किस प्लेस पे खड़ी है? तो देखिए प्रिया, रितु, कीर्ति, निशा. निशा की प्लेस कौन सी है? फोर्थ. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. तो निशा किस प्लेस पे खड़ी है? फोर्थ प्लेस पे खड़ी है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? निशा इज स्टैंडिंग फोर्थ. F O U R T H, फोर्थ इन द क्यू. ओके चिल्ड्रन. नाउ रितु इज स्टैंडिंग डैश इन द क्यू. रितु क्यू में कौन सी प्लेस पर खड़ी है? अब देखिए प्रिया, रितु, हम रितु की बात कर रहे हैं. कौन सी प्लेस पर है? फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड प्लेस पर है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? रितु इज स्टैंडिंग सेकेंड. S E C O N D, सेकेंड इन द क्यू. डैश इज स्टैंडिंग सिक्स्थ इन द क्यू. नाउ द सिक्स्थ पर्सन इज 1 2 3 4 5 6. सिक्स्थ इज अनु. So here it is, here it will come Anu. Anu is standing sixth in the queue. Anu किस position पे है? कौन sixth place पर है ये बताना है. तो देखिए sixth place पे कौन है? Anu. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? Anu. A N U, Anu. Anu is standing sixth in the queue. एक बार फिर से रीड करते हैं. हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? गर्ल्स हाइट वाइज अरेंज हैं. गर्ल्स के नेम है प्रिया, रितु, कीर्ति, निशा, त्रिशा, अनु. ये जो गर्ल्स अरेंज है क्यू में, उन्हें हमें
उनको उनकी पिक्चर्स को देखकर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं. अब फर्स्ट देखिए, कीर्ति इज एट द थर्ड प्लेस. कीर्ति इज एट द थर्ड प्लेस. कीर्ति थर्ड प्लेस पर है. देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. प्रिया इज एट द फर्स्ट इन द क्यू. प्रिया जो है वो क्यू में फर्स्ट प्लेस पर है. देखिए फर्स्ट प्लेस पर है. निशा इज स्टैंडिंग फोर्थ इन द क्यू. निशा फोर्थ प्लेस पर है. देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. फोर्थ पे कौन है? निशा. तो निशा लिखा है. रितु इज स्टैंडिंग सेकेंड इन द क्यू. रितु क्यू में सेकेंड प्लेस पर है. अनु इज स्टैंडिंग सिक्स्थ इन द क्यू. अनु क्यू में सिक्स्थ प्लेस पर है. तो हमने फिल कर दिया. अब आप अपनी बुक में पेंसिल की हेल्प से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखिए. राइट हैंड साइड पर आज की डेट डालिए और अपनी बुक में फिल कीजिए और ऑर्डिनल नंबर्स लर्न कीजिए. हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैव अ ग्रेट डे.